हमारे पास इस केक की रेसिपी के लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए आज का वीडियो हमने फ्रेश मैंगो केक की रेसिपी के लिए अपलोड किया है। दिस इज़ अ मॉइस्ट केक, तो इसके लिए हमें लेना है एक बड़ा आम, जो कि एक बड़े कप के बराबर हो जाए काटने के बाद। तो ये देखिए, अब ये काट के हमने रख लिया है, तो ये एक बड़ा कप जो है हमारे पास कटा हुआ आम हो गया है। ये हमने 300 ग्राम सूजी ले लेनी है। इस सूजी को हम पीस के यूज करेंगे। एक बड़ा कप मैंगो जो हमने काट के रखा है। शुगर 150 ग्राम्स बिना पीसी हुई। रिफाइंड ऑयल 100 ml। मिल्क हम लेंगे 175 ml। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। बेकिंग सोडा 2 pinch। वनीला एसेंस आपका ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं यूज कर रही हूँ। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स हम ले लेंगे और सबसे पहले हम मैंगो को मिक्सी में प्यूरी करेंगे। मैंगो को प्यूरी करने के बाद हम इसमें शुगर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं या मैंगो को प्यूरी करते हुए भी डाल सकते हैं। ये अब हम सूजी जो हमने ली थी, देखिए दरदरी है, इसको अब हम पहले इसको भी मिक्सी के अंदर बारीक पीस लेंगे। तो उससे क्या होगा, 50% सूजी जो है आपकी पिस जाएगी और 50% जो है कुछ बीच में रह जाएगी, ताकि इसका ये जो ज़्यादा दरदरापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हमने सूजी को पीस लिया है। ये देखिए आप, सूजी बारीक हो गई है। आप इसके लिए एक बारीक सूजी अगर डायरेक्टली मिलती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक मिक्सिंग बोल लेके हम अब ये सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। पहले हमने सूजी डाल ली है, अब इसके अंदर जो है हम प्यूरी की हुई अपने मैंगो एंड शुगर डाल लेंगे। हम जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम शुगर और मैंगो को इकट्ठे भी प्यूरी कर सकते हैं, तो मैंने पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल लिया है, शुगर एंड सूजी, और इसमें अब मैं ये मैंगो प्यूरी डाल दूंगी। और अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को पहले एक बार मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लूप्स ना बना दें, वो कांठे बन जाती हैं, तो इसलिए उनको ना बने ताकि वो कांठे, तो हम एक बार इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क जो है हमने थोड़ा सा बचा लेना है, अराउंड जितना टोटल मिल्क है उसमें से 1/4 मिल्क हम बचा लेंगे। ये बाद में केक की मिक्सचर की कंसिस्टेंसी को ठीक करने के काम आएगा। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनमें कोई गांठें ना बचें। तो अच्छे से मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है। मैं इसे अब आगे बीटर से मिक्स करूंगी। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से केक बैटर मिक्स होगा उतना अच्छा और फ्लफी केक बनेगा। बीटर में मैं इसको जनरली 1 की स्पीड पे ही बीट करती हूँ, बट डिपेंड करता है। जैसे आज ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मुझे इसको सेकेंड नंबर स्पीड पे भी ले जाना पड़ेगा। तो बेसिकली अच्छे से मिक्स हो जाए, फ्लफी हो जाए, तो बस तब तक हमें जो है मिक्सचर को बीट करना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बीट होने के बाद हमारा मिक्सचर बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे साइड पे ढक के। उस दौरान हम जो है अपने केक टिन को रेडी कर लेंगे। इसे हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, बटर से या घी से, जिससे भी आपको सूट करता है।
इसको नीचे ग्रीस करने के बाद फिर मैं इसमें एक बेकिंग पेपर लगा दूंगी। इसे मैंने पहले से काट के रखा है गोल शेप में। इसको हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे केक टिन में, और फिर उसके बाद हम इसकी भी ऑयलिंग कर लेंगे। अच्छे से ग्रीसिंग करने के बाद हमने इसमें फ्लावर या मैदा जो है वो केक टिन में पूरे में स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से पूरे बेस को हमने कवर कर लेना है। इस तरह से आप पूरे चाहे फ्लावर यूज़ करें चाहे मैदा यूज़ करें, मैंने फ्लावर यूज़ किया है यहाँ पे। आटा जो हम डेली यूज़ में अपनी चपाती बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने वही यूज़ किया है। इसे मैं इस तरह से अच्छे से कोट कर लूँगी, पूरा पूरी साइड्स पे पूरे बेस पे हमने इसको प्रॉपरली कोट कर लेना है, और फिर एक्स्ट्रा को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें बचा ही नहीं है, तो इस तरह से देखिए हमने इसको कर लिया। इन द मीन टाइम हमारा जो बैटर है वो हमने सोक होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, ये हमारा बैटर, एक घंटा मैंने इसे सोक किया है। आप इसे 2 आवर्स के लिए भी सोक कर सकते हैं, आप इसे हाफ एन आवर के लिए भी सोक कर सकते हैं। जितनी देर आप अपने बैटर को रेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। मैंने इसे 1 आवर के लिए सोक किया है। तो ये देखिए, ये हमारा बैटर, इसकी ये कंसिस्टेंसी आ रही है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब इसमें मैं ज़रा सा वनीला एसेंस इस टाइम पे डालूंगी। ये ऑप्शनल है टोटली, मुझे वनीला एसेंस और मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मिक्स हुआ हुआ। बट अगर आप प्योर मैंगो फ्लेवर चाहते हैं तो आप वनीला एसेंस को छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क और जो हमने बचाया था उस टाइम पे, वो मैं इस टाइम ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लूँगी बैटर की। तो इट हैज़ टू बी ए रिबन कंसिस्टेंसी, और इसे अच्छे से मैं बैटर को मिक्स कर लूँगी। बिफोर एडिंग बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब ये हमारा बैटर मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून और बेकिंग सोडा 2 पिंच ऐड करूँगी। अब इसके बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, उतना ही मिक्स करना है बस, जब ये दोनों पाउडर्स जो हैं बैटर में मिक्स हो जाएं प्रॉपरली, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं इसे एक बार लास्ट जो है बीटर से मिक्स करूंगी ताकि पाउडर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। एंड नाउ आवर बैटर इज टोटली रेडी टू गो इनटू द केक टिन। अब मैं इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लूंगी। हमने इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है केक टिन में। सारे बैटर को ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे ऐसे सेटल कर लेंगे ताकि ये इवनली एक सिंगल लेयर बना ले। एंड नाउ वी विल कीप आर केक बैटर इन अवन। अवन को हमने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस प्री हीटेड अवन में हम इसे रखेंगे। केक को कुक होने के लिए हम रखेंगे फॉर अराउंड हाफ एन आवर टू 40-45 मिनट्स। ये आपको एंड रिजल्ट जो है, एंड टाइमिंग जो है, ये चेक करना पड़ेगा। ये डिफरेंट मौसम के हिसाब से बहुत सारी वेरिएशन रहती हैं जिसके हिसाब से ये वेरी करता है। एंड टेम्परेचर विल बी 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अब इस केक को हम 30-45 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक होने के लिए रख देंगे। इस तरह से हमारा केक लग रहा है अवन में। ये हमें मिडिल रैक में रखना है ताकि ऊपर और नीचे से हमें इक्वल हीट मिले। ये देखिए, अब ये हमारा केक है एट 15 मिनट्स
केक राइज कर गया है, इवनली राइज कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। इसकी ब्राउनिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, अब हमारा केक हाफ एन आवर पे हमने केक को चेक किया है। आधे घंटे के बाद इसे मैं ये टूथपिक से इस तरह से चेक कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि ये अभी थोड़ा सा वेट है। हालांकि मॉइस्ट केक है, तो मॉइस्ट केक जो है वो थोड़ा वेट की तरफ ही रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, बट स्टिल अभी ये थोड़ा वेट है। तो मैं इसको अभी और 10 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी। टेन मिनट्स हो गए हैं, तो आइए देखें हमारा केक, फ्रेश मैंगो मॉइस्ट केक कैसा बना है। तो ये देखिए, ऊपर से तो ब्राउनिंग बहुत अच्छी हुई है। अब हम इसे केक टिन में से निकाल लेते हैं। इवन कुकिंग है चारों तरफ से। ये देखिए, बहुत अच्छी लेयर आई है। और ये देखिए, ये सॉफ्ट है, देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। अब मैं इसको काट के एक स्लाइस आपको दिखाती हूँ। पहले हमने इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, और ये देखें, देखें तो कैसा बना है हमारा केक। काटने में बहुत सॉफ्ट है, आप भी देख पा रहे होंगे। देखिए, एक नाइफ बिल्कुल नीट निकल गया है, कोई स्टिकीनेस नहीं है। और ये देखिए, दिस इज अ मॉइस्ट फ्रेश मैंगो केक, बहुत सॉफ्ट है और बहुत यमी भी। एंड आई एम वेरी श्योर ये आपको, आपकी फैमिली को, सबको बहुत पसंद आएगा। सो डू ट्राई इट, एंजॉय एंड कीप वॉचिंग द फ्लो ऑफ थॉट्स, कुछ लम्हे कुछ एहसास। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।